हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। प्रयागराज जिले में उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में करेली थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वहीं थाना करेली पुलिस ने हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी गांव सैदपुर से हुई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर 302 का मामला दर्ज है। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी पुलिस ने बरामद कर ली है। क्या मामला है, किस तरह की इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, कितने लोगों को, किस तरह से थाना करेली में एक हत्या की घटना हुई जो आरंभिक स्तर पर ऑलमोस्ट ब्लाइंड जैसी थी। इसमें अभियुक्तों ने एक व्यक्ति की जो उनका रिश्ते में लगता तो था ममेरा भाई, उसकी हत्या करके और गाड़ी में ले आकर के उससे गाँव में ये कहीं आसपास डंप करने या उसे डिस्पोज ऑफ करने के इरादे से लेके पहुँच गए थे वहाँ भूरपुर थाना क्षेत्र में, जहाँ लोगों को शंका हुई और उन्होंने 112 को कॉल किया, जहाँ पुलिस पहुँच करके इनको कब्जे मिली और फिर परिजनों से जब जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी करके एक तहरीर दिया थाना करेली में, जिसमें अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी करेली और सीओ फर्स्ट की टीम लगी उसमें और बड़ी तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में इस घटना से संलिप्त सभी 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके 3 अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है। और जो घटना में प्रयुक्त लाठी थी, जिस लाठी से इन्होंने उसको कई बार वार किया, जिसमें उसके वाइटल पार्ट पे भी चोटें लगी और 22 वर्ष का एक लड़का जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो लाठी भी बरामद कर ली गई है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लगातार उसे विवेचना कर रहे हैं, कोई और भी इसमें घटनाक्रम या कोई संलिप्तता होगी तो उसको भी देखा जाएगा। बॉडी लेकर के खूरपुर बताए सैदपुर जो करेली का रहने वाला था, जो अभियुक्त पक्ष है, और वो मृतक रहने वाला खूरपुर थाना क्षेत्र के सिंधुवार गांव का था। ये डेड बॉडी को लेकर अपनी कार से, जो कार इनकी अपनी एक किराए पे चलाते थे, उसी से लेकर पहुंच गए थे सिंधुवार में और वहां पे वो, क्योंकि घटना तो दोपहर करके शाम को फेंकने के इरादे में कहीं रहे होंगे, वहां पे लोगों को डाउट हुआ इनकी बातचीत में तो पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस वहां पे पहुंच करके उनको कब्जे में ली, गाड़ी को भी, और पुलिस पहुंचने के बाद फिर सारी बातें जानकारी में आई, करेली इंस्पेक्टर भी पहुंचे, फिर वहां पे अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तारी की। क्या कारण था घटना? इनके बारे में जो डिटेल जानकारी अभी तक हुई है उसमें ये था कि क्योंकि ये अतिशय विश्वास के रिश्ते थे, वो मृतक भी इनके घर पे ही रहता था और दोनों आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे, तो कुछ पैसा था घर पे जिसको मृतक बिना इनके बताए हुए लेके चला गया था और इस आशय की जानकारी उनके घर वालों को भी हो गई थी। उन्होंने भी FIR में इसी बात का उल्लेख किया है, कुछ पैसा इनके बिना जानकारी के लेके चला गया था, जिससे ये लोग इतने कुपित हुए कि उसको मारे और इतना मारे कि वो मर गया।